हादसे के बाद हंगामे और तोड़फोड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने एक पुलिस वाहन पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को खदेड़ दिया। तिवारीपुर कानपुर में एक मोटरसाइकिल सवार जिसका नंबर UP 78 CE 9167, उसमें पिकअप जो पीछे साइड से आ रही थी उसी पीछे से UP 62 AT 2321 ने टक्कर मार ली, जिससे बाइक सवार राम आश्रय निवासी मोहन खेड़ा की मृत्यु हो गई। उससे आक्रोशित होकर, चूँकि लोकल गांव का था जहां एक्सीडेंट हुआ था, कुछ ग्रामीणों ने आने जाने वाले वाहनों पर पथराव किया। एक पुलिस वाहन Highway 3 का शीशा तोड़ दिए हैं, जिसमें 5 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे मौत हो गई थी इसकी, या मतलब कुछ हादसे में मोहनखेड़ा गांव का रहने वाला राम आश्रय की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी, पंजाब केसरी TV।